बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस समय न्यूज 24 पर हम दिखा रहे हैं विनोद जी और राजेश बादल, अगर आप देख पा रहे हैं आप भी देखिएगा जरा न्यूज 24 पर, अगर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आज की तस्वीर है जब संभावित मंत्री जो बनने वाले हैं या जिनका प्रमोशन होने वाला है, जब वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित किया था प्रधानमंत्री आवास पर अपने घर पर। तो पीएम खड़े हैं, सारे मंत्री बैठे हुए हैं और पीएम उनको संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है ये, और आज ही की तस्वीर है प्रधानमंत्री के घर की। संजीव आपके पास आ रहा हूं। संजीव, आप तो सुबह से आज का घटनाक्रम फॉलो कर रहे हैं, जब ये संभावित मंत्री पीएम से मिलने जाते हैं जैसा राजेश बादल बता रहे हैं, उनको यही कहा गया है क्या कि आपको रिजल्ट देना है, आपको छूट भी दी जाएगी, और ऐसा ये सच नहीं है कि मैं अपने मंत्रियों को आजादी नहीं देता हूं काम करने की? संजीव देखिए, मानक एक मंत्री महोदय जो शपथ लेंगे शाम में और जिन्हें आदेश मिल चुका है कि आपको आना है, वो जब 7 रेस कोर्स रोड से या यूँ कहें 7 लोक कल्याण मार्ग अब जिसे कहते हैं, वो लौट कर आए, अपने घर में प्रवेश कर रहे थे, उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि कुछ बोलना नहीं है हमें, लेकिन अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट की ही बैठक कर ली। एक प्रकार से उन्होंने नए मंत्रियों के साथ वो जो कैबिनेट की बैठक वो बुलाते हैं हर सप्ताह, वो बैठक ही हो गया, यानी कि वो सारी बातें हो गई जो अमूमन कैबिनेट के बैठकों में चर्चा में आती हैं, क्या करना है, किस दिशा में काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें। और ये जो तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री खड़े हैं, सब लोग उन्हें किसी छात्र की भांति सुन रहे हैं, ये अपने आप में तय कर देती हैं कि आज प्रधानमंत्री ने उन्हें बता दिया कि इसके बाद आप शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद मंत्रालयों में जाएंगे और एक नई दुनिया आपके लिए हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपके लक्ष्य में क्या क्या रहना चाहिए, ये तमाम बातें जो कि संदर्भ रखती हैं, भारत एक संक्रमण के काल से गुजर रहा है अभी, और इस वक्त क्या क्या महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, आज उन्हें ब्रीफिंग कर दी गई है। और ये कहना शायद बहुत लॉजिकल था मानक कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले ही कैबिनेट की बैठक कर लिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देख के ऐसा ही लग रहा है, और सिर्फ नए मंत्री नहीं है, वहां कुछ पुराने मंत्री भी शामिल हैं, इसीलिए इसे कैबिनेट की बैठक कहना सही होगा। राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे मंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आई है, एक है जिसमें प्रधानमंत्री खड़े हैं और सारे नए मंत्री संभावित मंत्री बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर ये है जिसमें प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और इधर बेंचेस पर नए मंत्री बैठे हुए हैं। ये दो तस्वीरें हैं। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कमेंट एक। विनोद जी, आज इस बैठक में शपथ ग्रहण से पहले